ये ज़्यादा मात्रा में हमारे पास कच्चा आम है और उसको हमने आग पर गला लिया है। अब हम इसका पल्प कैसे निकालेंगे, ये हम पल्पर में ये डालने हैं और इसको आपको निकालने हैं। इसमें देखिए गुठली आपका अलग निकल जाएगी और पल्प इसमें नीचे आ जाएगा। आपने देखा है कच्चे आम का जूस पल्प निकाल लिए हैं। हमने 1 लीटर मान लीजिए हमारे पास पल्प निकला, तो उसके लिए हम 2 किलो चीनी लेंगे। तो सबसे पहले हमारा रस को एक तरफ रख दीजिए। उसके बाद सबसे पहले हमको चीनी का शुगर सिरप बनाना है या चीनी की चाशनी। तो इसमें क्या करेंगे, 2 किलो चीनी लिए, चीनी का आधा पानी 1 लीटर पानी डाल के और इसको हमने आग पर पकाया। इतने समय तक पकाते हैं, इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि हमारी चीनी गल गई है। उसके बाद इसको हम छान लेते हैं, चीनी के पाक को शुगर सिरप को छान लेते हैं। छानने के बाद ये शुगर सिरप ठंडा होता है। इसमें हम 1 किलो रस 2 किलो चीनी का बनाने के लिए साइट्रिक एसिड 10 ग्राम इसमें डाल देते हैं। चीनी शुगर सिरप में 10 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं। साइट्रिक एसिड डाल दिए, उसके बाद हमारा शुगर सिरप ठंडा हो जाता है। तो हम कच्चे आम के जो रस हमने निकाला है उसको इसमें मिला देते हैं। ये हमने शुगर सिरप हमारा जो ठंडा हो गया है इसमें हमने मिला दिया और इसमें हमने साइट्रिक एसिड भी मिला दिया।